टूटता बहुत जल्दी है यह, और इसमें लचक बहुत ज़्यादा हो, लचक कम होता है थोड़ा सा भी टूट जाता है तुरंत। मैं एक बार गिर गया था इसी तरह से जामुन के पेड़। ठीक है, तोड़ते रहिए। इस समय जीरा से लगभग 7 किलोमीटर आगे आने के बाद बस्ती बूटे वाला एक गांव का नाम है, उसी जगह एक गुरुद्वारा है, उसी में आ गया। गर्मी इतना ज़्यादा था, हवा भी नहीं चल रहा था। 10 बजे आया, रुक गया और यहाँ पे लंगर चलता रहता है, और यहाँ पे आके सो गया। लाइट भी भाग गया था बीच में, और वहाँ पे लंगर चलता है। और लंगर यहाँ का जो गांव से आदमी होता है जो मांग के लेके आते हैं, जो स्वामी होते हैं, पुजारी होते हैं, और वही मांग के लेके आते हैं यहाँ पे, और वही लंगर चलता है। बैग रख दिया था, सोया था, और यहाँ पे आने के बाद खाना खिला दिया, फिर अभी एक गिलास दूध दिए थे, और यहाँ पे देख सकते हैं सेवा करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? बोलप्रीत सिंह। और गुरुद्वारा क्या नाम है? गुरुद्वारा तीरसर साहिब। कितना साल हो गया इसको? 50 साल हो गया। 50 साल। और यहाँ पे एक जामुन मारे पर, सिंग। यहाँ पे जामुन का एक पेड़ है, मैं आया तो तोड़ के खाया, फिर एक बार और तोड़ के खाया। और यहाँ पे अंकल जी एक चढ़े हैं, और देख सकते हैं गुरुद्वारा का है। लंगर चलता है जब कोई फंक्शन बड़ा पड़ता है, तब ज़्यादा लोग चलते हैं। ऐसे भी हमेशा चलता रहता है, रात को और दोपहर को। यहाँ पे कोई पूजा वूजा जैसे बड़ा फंक्शन कब पड़ता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी शुरू होता है। हाँ, 5 दिन का होता है तो लंगर चलता है 5 दिन। अमावस्या लगती है, पूर्णिमा लगती है। और यह है अंकल जी, यहाँ जामुन तोड़ रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? दर्शन सिंह। और ये जामुन तोड़ रहे हैं, और सब पूर्णिमा में लगता है मेला, पूर्णिमा अमावस्या में मेला लगता है पूर्णिमा। और यहाँ पे एक और अंकल जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, और आप कितना दिन से सेवा करते हैं यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल। और आप? 11 साल हो गए। 11 साल। और अमरूद है साइड में, 40 साल। 40 साल इधर ही। और यह है जामुन का पेड़, 40 साल। 40 साल इधर ही। और यह है जामुन का पेड़, और यह गेट है मेन। और उस साइड क्या है? वहाँ पर गिट्ठा है साधु की, बंदगी वहाँ पर गई है, समाधि साधु की। हाँ, वहाँ पे बंदगी की वहाँ। और पर इस साइड कुआं है, कुआं भी है उधर। और इससे सीढ़ी इससे चढ़े थे थोड़ा, यह बहुत कच्चा होता है देखिएगा। हाँ, टूटता बहुत जल्दी है यह, और इसमें लचक बहुत ज़्यादा हो, लचक कम होता है थोड़ा सा भी टूट जाता है तुरंत। मैं एक बार गिर गया था इसी तरह से जामुन के पेड़ पर से बहुत ऊपर से। और यह देख सकते हैं बहुत काला काला लगा है, बारिश नहीं है, बारिश होता है तो ख़राब भी हो जाता है। और यह तोड़े हैं, और दिखाइएगा ऐसे इतना जामुन तोड़े हैं। ठीक है, अब मीठा बहुत लगता है इधर के जामुन, देखिए कितना बड़ा बड़ा सा है। और इस साइड है गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा भी बंद है। और यह है गुरुद्वारा, और इस साइड आए थे पूजा करने के लिए। और मेन गेट है, यह हाईवे जाता है आगे अमृतसर, यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर या 75 किलोमीटर होगा। और इस साइड समाधि स्थल है, और यह है गुरुद्वारा। बंद है गुरुद्वारा, और इस साइड समाधि स्थल है, जो यहाँ के पुजारी थे, जो ग्रंथी बोल सकते हैं उनका। और देख सकते हैं पेड़ पौधा था, इसको काटा गया है, लग रहा है आंधी में गिर गया था, बहुत आंधी इधर आया था एक बार बहुत ज़्यादा। और इधर भी एक जामुन का पेड़ है कितना बड़ा, और कुआं एक कह रहे तालाब है, और आम का पेड़ देखिए इसमें आम लगा था कि नहीं। और यह है यहाँ का कुआं, देख सकते हैं कितना बड़ा, सॉरी तालाब बोल सकते हैं, कुआं तो नहीं बोल सकते, तालाब। और पेड़ पौधा लगा है, और उस साइड आम है, हम लोग आम बीजुक बोलते हैं इस आम को, पका भी है लग रहा आम है या गुठली इसका। हाँ, पका है। देखिए मुझे मिल गया एक आम, यह है। और इस साइड बहुत बड़ा है, यहाँ पे गुरुद्वारा लग रहा है, गुरुद्वारा ही बन रहा है। और आम पका हुआ मिला है मुझे एक, यह है कि गुरुद्वारे में ही आम है, हर चीज़ है। और भाई यह कितना बड़ा गुरुद्वारा बन रहा है,
और इसको बीजू काम बोलते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और यह ज़्यादा नुकसान नहीं करता है खाने के बाद। और कपूरी खा लेंगे, दशहरी ज़्यादा खा लेंगे तो कल मैं 1 kg तक दशहरी खा लिया था। तो यह है बीजू का, और बरगद का पेड़ है इधर भी, ये काम है। मैं समाधि स्थल दिखा दे रहा हूँ जो यहाँ के पुजारी थे उनका। और यह है आम, और यह है तालाब, और यह है समाधि स्थल। और यह है जय बाबा जी, यह है समाधि स्थल, देख सकते हैं। और यहाँ पे पीछे पूरा हाल ही बना है, बैठाका के लिए भी बना है, इधर कोई आए तो बैठ जाए, सो जाए, फंक्शन कोई पड़े, और खाट भी है इधर कोई सोने के लिए। तो यह है समाधि स्थल, जो यहाँ के बाबा उन गाड़ी गिफ्ट किया गया एरोप्लेन। देखिए ऐसे बाबा को एरोप्लेन, इनका लग गया सपना हो गया या कुछ, एरोप्लेन गिफ्ट किया गया है इनको। और यह देखिए भैया कितना खूबसूरत लग रहा है, या साइड साइड गुलाब का फूल लगाया गया है। और यह है मेन गुरुद्वारा, बंद है, बंद है। और यह है गुरुद्वारा, और देखिए यहाँ पे टंकी बना रहता है, पानी इसको क्या बलता रहते। और यहाँ पे पैर धो सकते हैं, उसके बाद यह गुरुद्वारा में पूजा कर रहे हैं।